परवल की सब्जी मेरे तरीके से बनाएंगे ना, यकीन मानिए फ्रेंड्स, सब लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे और जिनको परवल नहीं पसंद है वो भी उंगलियां चाट चाट करके खाएंगे। इसके लिए परवल को ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर छील करके इनके दोनों किनारे कट करके हटा लेंगे और इसी तरीके से सभी परवल को छील करके अच्छे से धो लेंगे। अब हम एक परवल में ऐसे दो भाग करेंगे लंबाई में, फिर एक भाग से तीन भाग, मतलब एक परवल में ऐसे छह भाग करना है। इसी तरीके से मैंने सभी परवल को कट कर लिया है। कढ़ाई में तेल ले लेंगे, तेल गर्म होने पर इसमें कटे हुए परवल डाल करके परवल को इस तरीके से गोल्डन लेयर आने तक फ्राई कर लेंगे। फिर इनको निकाल लेंगे। अब इसी तेल में डाल देंगे जीरा, बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्रिज में डाल देंगे स्लाइस किया हुआ प्याज और प्याज का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रिज में डाल देंगे कटे हुए टमाटर, धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। फ्रिज में डाल देंगे फ्राई किए हुए परवल, गर्म मसाला और आमचूर पाउडर, अच्छे से मिला करके लो फ्लेम पर इनको 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। लास्ट में इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी परवल की सुपर डिलीशियस चटपटी सब्जी।